अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने इडली की शेयर करी थी और आप लोगों ने देखा था कि बैटर मेरे पास बहुत सारा है तो काफी सारी इडली बच गई हैं। जो बची हुई इडली है उनको हम फ्राई करेंगे और ये बहुत मजेदार रेसिपी है। या इडली मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 4 से 5 इडलियाँ लिए हैं और उनको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया। थोड़ा सा ऑयल लिया है, करीब 2 to 3 टेबल स्पून, जिससे कि हमारी इडली अच्छे से मसाले में कोट हो जाए, फ्राई हो जाए और बहुत अच्छे से बने। तो यहाँ पर ऑयल लिया है और उसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने 1/2 टी स्पून लिया है मस्टर्ड सीड्स और इसको हम अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे। और ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत मज़ेदार लगती है और इसे आप ज़रूर बनाइएगा। अक्सर इडली बन जाती हैं और वो बच जाती हैं, नहीं खाई जाती, तो आप इस तरह से बच्चों को टिफ़िन में भी आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, इससे कि खुशबू आ जाती है। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बच्चों की तो ये फेवरेट हो जाती है। थोड़ा स्पाइसेस बच्चों के हिसाब से आप कम कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को मसाले ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हींग है और राई है अच्छे से कड़कड़ा गई है। और यहाँ मैंने लिए ढेर सारे कड़ी पत्ते, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 5-7 भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कड़ी पत्ते लिए हैं। और इन्हें अच्छे से भून लेना है, बहुत कम टाइम लगता है इन्हें तैयार करने में और बहुत मज़ेदार लगती हैं और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पर करीब 1 बड़ा प्याज मैंने रफली चॉप किया था, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत मोटा रखें, मीडियम साइज़ में आप काट लें इस तरह से। और इसको हमने भून लेना है करीब 2 से 3 मिनट ही हम भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए बस उतना ही। थोड़े टमाटर काट के रखें करीब 1 से 2 और इनको भी हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा नमक, करीब मैंने 1/2 टी स्पून ऐड किया है। मसाले अब डालेंगे हम इसमें। अच्छा, मसाले जो है इसमें जो है सांभर मसाला जाता है, हल्दी नमक मिर्च यही सब जाती है। यहाँ पे मैंने 1/4 टी स्पून हल्दी लिए, लेकिन इन मसालों के अलावा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मसाले चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे मसाले आपको बनाना बताए हुए हैं, यहाँ पर 1/4 टी स्पून ही मैंने डाली है रेड चिली पाउडर। और आप वो मसाले भी अगर ट्राई करेंगे ना, जैसे कबाब के मसाले हैं और यहीं पर मैंने धनिया पाउडर डाला है, तो जो कबाब के मसाले वो भी आप इसमें डाल करके कर सकते हैं और टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब तक मैंने डाला है 1/4 टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च और 1/4 टी स्पून ही मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1/4 टी स्पून तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और भून लें, जिससे कि मसालों के कच्चेपन की खुशबू ना आए। इसमें सांभर मसाला भी डालते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला है 1 चम्मच भर के सांभर मसाला और इसे भी हम भून लेंगे, 1 से 2 मिनट पका लेंगे। जैसे मैंने सांभर मसाला डाला है, आप सांभर मसाले के बजाय आप ट्राई करिएगा एक बार, जो मैंने काफ़ी सारे कबाबों के मसाले बताए ना, आप वो ट्राई करिएगा। और बस यहाँ पर हमने मिक्स कर देनी है ये इडली और वाह, बहुत खुशबू आने लगती है सच में मुझे तो देख करके। हालांकि ये हमने बना कर खा लिया है, लेकिन अभी दोबारा से देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और अलग अलग वेरिएशन में, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि कबाब के मसाले वगैरह भी डालें, तो हर तरह से मुझे पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 नींबू इसमें स्क्वीज़ कर लिया और नींबू निचोड़ते के साथ तो ना जो खुशबू आती है तो पागल कर देती है सच में। तो बस हमारी तो ये इडली तैयार है और बस इसको अब हम डिश आउट करेंगे अच्छे से मिक्स करके और बस खाएंगे, चखारे लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
दुआओं में रखें याद, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप इंजॉय करिए ये मसाला इडली को, और जो मैंने वेरिएशन वाली बात बताई है वो ज़रूर आप ट्राई करिएगा।